हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मोलालिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.2 मोल पर केजी। कैलकुलेट वेट ऑफ द सॉल्यूशन। हमें बताना है टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शंस आर गिवन टू अस। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारे पास मोलालिटी दी गई है 0.2 मोल पर केजी, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा? मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम पर मोल इंटू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? देखो मोल से पर मोल कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 19.6 ग्राम। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट? तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 1000 प्लस 19.6, यानी 1019.6 ग्राम विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन। एंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।